भाजपा नेता मोहित कंबोज इनके ट्वीट से महाराष्ट्र की राजनीति में एक हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख इनको मिलने जा सकते हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख ईडी केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अर्थर रोड जेल में बंद हैं। भाजपा के मोहित कंबोज ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र एनसीपी के बड़े नेता जल्द ही नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जल्द ही मिलने जाएंगे। आपको बता दें कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख इसके पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के गिरफ्त में ऑर्थो रोड जेल में बंद है। कंबोज इस ट्वीट से किसे निशाना बना रहे हैं और एनसीपी का ये तीसरा नेता कौन है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। पर उन्होंने जिस तरह से दूसरा ट्वीट कर 70,000 करोड़ के महाराष्ट्र सिंचन घोटाले की दोबारा जांच की मांग की है, जो 2019 में पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इन्होंने बिना पूछताछ इस मामले की फाइल को बंद किया था। इन सब बातों को देखने से कंबोज का इशारा महाराष्ट्र के विधान परिषद नेता अजित पवार पर होने की बात सामने आती है, जो एनसीपी से है और उनके जल संपदा मंत्री के कार्यकाल में ही यह स्कैम सामने आया था। भाजपा नेता मोहित कंबोज ने दूसरा ट्वीट करके महाराष्ट्र के जल संधारण स्कैम की फाइल फिर से दोबारा खोलने की बात कही है और उसकी इंक्वायरी की मांग की है। 2019 में इस फाइल को जिस परमवीर सिंह इस पुलिस कमिश्नर ने क्लोज कर दिया था, उसी मामले की इंक्वायरी की दोबारा मांग की है। क्या है ये महाराष्ट्र का जल संधारण स्कैम जानते हैं? क्या है 70,000 करोड़ का सिंचन मामला जानते हैं? 1999 से लेकर 2009 तक के इस सिंचन स्कैम में महाराष्ट्र सरकार के लगभग 70,000 करोड़ जल संधारण पर खर्च किए गए, पर मात्र 1% ही सिंचन में बढ़ोतरी हुई। इस मामले में गठित की गई जांच समिति कांग के रिपोर्ट में सामने आई। इसके बाद महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में आने के बाद इस मामले की जांच एसीबी के करने की मांग की, पर इस दौरान तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इन्हें इसकी जांच के लिए फाइल सौंपी गई, मगर उन्होंने बिना पूछताछ किए इस मामले की फाइल को बंद कर दिया। इस दौरान महाराष्ट्र में कई बार सत्ता समीकरण बदले, जिसमें भाजपा में तत्कालीन जल संधारण मंत्री अजित पवार को क्लीन चिट देते हुए उनके साथ सरकार बनाते हुए सप्त ग्रहण समारोह किया। अब दोबारा महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आने से सिंचन मामले की फाइल दोबारा खुलने की मांग इस ट्वीट के माध्यम से सामने आई है। इससे पहले भी भाजपा नेता मोहित कंबोज ने जिन जिन के बारे में ट्वीट किए थे, वो नेता आज सलाखों के पीछे हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक और महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे, इनके खिलाफ भी कंबोज ने जो ट्वीट करके कार्रवाई से पहले बताया था, उसके बाद इन नेताओं पर कार्रवाई हुई है और आज वो सलाखों के पीछे हैं। आज किए गए मोहित कंबोज के ट्वीट से अब कौन से नेता महाराष्ट्र के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।